गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन 11 क्लास के टॉपिक में डिस्कस कर रहे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। और मात्रक एवं मापन वाले चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, विभिन्न भौतिक राशियों की अपन ने क्या लिख ली थी, विमा। आज के लेक्चर वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे हैं यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन या विमीय समीकरणों के उपयोग। अब विमीय समीकरणों के अपन तीन उपयोग पढ़ेंगे कि डायमेंशनल इक्वेशन या विमीय समीकरणों की सहायता से अपन किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। वी चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। दूसरा इसका यूज होता है कि विमीय समीकरणों की सहायता से अपन किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज कर सकते हैं। तो डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को एक यूनिट सिस्टम से अनदर यूनिट सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने यूनिट सिस्टम चार पढ़ी, MKS, CGS, FPS और चौथा सिस्टम अपन ने पढ़ा था कौन सा, SI। तो डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड या परिमाण को एक यूनिट सिस्टम से अनदर यूनिट सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। तीसरा यूज अपन पढ़ेंगे कि विमीय समीकरणों की सहायता से विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य अपन क्या स्थापित कर सकते हैं, सूत्र। तो फ्रॉम द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन वी डिराइव द फॉर्मूला या वी डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो टॉपिक अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, अगला टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं विमीय समीकरणों के उपयोग। तो टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा विमीय समीकरणों के उपयोग, यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तो टॉपिक अपन ले रहे हैं यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, विमीय समीकरणों के अपन तीन उपयोग पढ़ेंगे कि विमीय समीकरणों की सहायता से अपन किसी भी समीकरण की सत्यता की क्या कर सकते हैं, जांच। तो पहला यूज अपन पढ़ेंगे चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। तो पहला यूज अपन पढ़ रहे हैं कि विमीय समीकरणों की सहायता से अपन किसी भी समीकरण की सत्यता की क्या कर सकते हैं, जांच। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। दूसरा यूज अपन पढ़ेंगे कि विमीय समीकरणों की सहायता से किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। तो दूसरा यूज अपन पढ़ सकते हैं चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन वन यूनिट सिस्टम टू वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। तो डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को एक सिस्टम से, एक यूनिट सिस्टम से अनदर यूनिट सिस्टम में क्या कर सकते हैं, चेंज। और तीसरा अपन पढ़ सकते हैं यूज
तीसरा यूज अपन पढ़ेंगे विभिन्न भौतिक राशियों में, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध या सूत्र स्थापित करना। डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, विमीय समीकरणों के उपयोग। इस डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प के अपन तीन यूजेज पढ़ रहे हैं। पहला यूज मैंने बताया कि इसकी सहायता से अपन किसी भी समीकरण की सत्यता की क्या कर सकते हैं, जांच अपन चेक कर सकते हैं, वी चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। दूसरा यूज ये होता है कि डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नीट्यूड और यूनिट के मल्टीप्लेक्शन की फॉर्म में, तो दूसरा यूज अपन पढ़ते हैं कि डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को एक सिस्टम से अनदर यूनिट सिस्टम में क्या कर सकते हैं, चेंज। और तीसरा यूज अपन पढ़ेंगे कि अपन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या डिराइव कर सकते हैं, रिलेशन, और किसकी हेल्प से, डायमेंशनल इक्वेशन। तो विमीय समीकरणों की सहायता से अपन किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं, किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में रूपांतरित कर सकते हैं, और विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य क्या स्थापित कर सकते हैं, सूत्र। तो ये विमीय समीकरणों के अपन तीन उपयोग पढ़ेंगे, जिसमें अपन सबसे पहले उपयोग डिस्कस कर रहे हैं कि डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से अपन किसी भी समीकरण की सत्यता की क्या कर सकते हैं, जांच। अब मान लीजिए आपको कोई भी समीकरण दे रखी है, यह समीकरण दे दूं x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। तो एक इक्वेशन मैंने आपको दिया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड इक्वेशन में या समीकरण में कितने टर्म है, कितने पद हैं, तीन। पहला पद है x, दूसरा पद है y, और तीसरा पद अपन का कौन सा है, जेड। अगर किसी इक्वेशन में जितने भी टर्म होते हैं, जितने भी पद होते हैं, अगर उन सब टर्म और सब पद की डायमेंशन सेम होगी तो वो इक्वेशन डायमेंशनल फॉर्म से करेक्ट होगी। तो आपको मैं बता रहा हूं कि अगर इस इक्वेशन में इक्वल होगी डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ एक्स यदि इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ वाई, और इसकी डायमेंशन इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ जेड, ठीक है। कहने का मतलब इस इक्वेशन में तीन पद दे रखे हैं, पहला पद एक्स, दूसरा पद वाई, और तीसरा पद क्या दे रखा है, जेड। अगर इसके सभी पदों की विमाएं समान होगी, एक्स की विमा, वाई की विमा और जेड की विमा अगर बराबर होगी तो इक्वेशन होगी बेटा सत्य। सत्य का मतलब क्या होगी, करेक्ट होगी, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म दिए जाते हैं, अगर इस इक्वेशन दी गई इक्वेशन के जितने भी टर्म होते हैं, जितने भी पद होते हैं, अगर उन सब टर्म की डायमेंशन सेम होगी तो इक्वेशन करेक्ट होगी, और अगर सभी टर्म की डायमेंशन सेम नहीं होगी तो इक्वेशन क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। अब अगर इस इक्वेशन में यह होता कि एक्स और वाई की डायमेंशन तो सेम होती लेकिन जेड की सेम नहीं होती, या हो सकता है एक्स वाई और जेड की डायमेंशन तो सेम है लेकिन एक्स और वाई की नहीं, या यह हो सकता है कि तीनों टर्म की डायमेंशन सेम नहीं। अगर ऐसी कंडीशन होगी इक्वेशन होगी बेटा इनकरेक्ट, इनकरेक्ट होगी। इनकरेक्ट का मतलब क्या होगी, असत्य। और अगर किसी इक्वेशन में जितने भी टर्म दिए गए
उन सब टर्म की अगर डायमेंशन सेम होगी तो इक्वेशन क्या होगी, करेक्ट होगी। ठीक है, तो कोई भी समीकरण वे में रूप से सत्य होगी अगर उस समीकरण के जितने भी पद दिए गए उन सब पदों की विमाएं क्या है, समान। तो अगर किसी भी समीकरण में दो पद है, तीन पद है, चार पद है, वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, फोर टर्म, जितने भी इक्वेशन में टर्म दी गई है अगर उन सब टर्म की डायमेंशन सेम होगी तो इक्वेशन होगी करेक्ट, और अगर सबकी डायमेंशन सेम नहीं होगी तो इक्वेशन क्या होगी, इनकरेक्ट। तो पहला यूज अपन पढ़ रहे हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। अब देखो अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन ऐसा आएगा चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन ऐसा आएगा दी गई समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए, दी गई समीकरण की सत्यता की क्या कीजिए, जांच। चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। पहली इक्वेशन मैंने दे दी बेटा v u प्लस 80, एक इक्वेशन दे दी, और अगला पूछ रहा है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। तो चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन, और इक्वेशन आपको मैंने दे दी बेटा v इज इक्वल टू u प्लस 80। अब आपको बताया ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है, आपने गति के तीन समीकरण पढ़ी होगी, समझना है इसको। नाइन्थ क्लास में एक टॉपिक आया था बेटा, टॉपिक अपन ने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। अब गति के आपने तीन समीकरण पढ़े, फर्स्ट इक्वेशन है अपने पढ़ा बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस 80, पहली इक्वेशन अपन को दे रखी है गति के समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस 80, दूसरी इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आपको बताया इस इक्वेशन में v अंतिम वेग का मतलब कौन सी वेलोसिटी फाइनल, u इनिशियल वेलोसिटी का मतलब कौन सा वेग, प्रारंभिक वेग, a क्या है, त्वरण का मतलब क्या, एक्सेलरेशन। s इस इक्वेशन में क्या है, डिस्टेंस का मतलब दूरी। तो नाइन्थ क्लास में अपन ने ये पढ़ाया कि काइनेमेटिक्स के तीन इक्वेशन पढ़ी, फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, सेकेंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें जो v है वो तो फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम, ये तीन टर्म आपको दे रखी है। ठीक है, अब आपको बताया आपको इस इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना है। अब करेक्टनेस को चेंज करना है तो मैंने आपको बताया कि किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म दिए जाते हैं
अगर उन सब की टर्म, सभी टर्म की डायमेंशन या सभी पदों की विमाएं क्या होगी? समान। तो इक्वेशन होगी करेक्ट, अदरवाइज इक्वेशन क्या होगी? इनकरेक्ट। अब इस इक्वेशन में ये तीन टर्म दे रखे वी यू और ये क्या दे रखा है एटी। तो इस इक्वेशन का फर्स्ट टर्म वी और आप सबको होता है वी कौन सा वेग है? अंतिम वेग। अंतिम वेग का मतलब कौन सा? फाइनल वेलोसिटी। और वेलोसिटी या वेग की डायमेंशन अपन ने पढ़ ली उठा एम जीरो एल वन टी की पावर माइनस वन। तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एम जीरो एल वन टी की पावर माइनस वन। तो वेग की विमा होती है उठा एम जीरो एल वन टी की पावर माइनस वन। सेकेंड टर्म इसमें क्या दे रखा है? सेकेंड टर्म इसमें दे रखा है यू और यू प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग का मतलब कौन सी वेलोसिटी? इनिशियल। तो ये भी वेग है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी होने के कारण इसकी डायमेंशन भी होगी एम जीरो एल वन टी की पावर माइनस वन। और थर्ड टर्म, थर्ड टर्म इस इक्वेशन में क्या है? एटी। अब एटी जो टर्म दे रखा है उसमें ए तो त्वरण एक्सेलरेशन है और टी टाइम। टाइम का मतलब क्या है? समय। अब अगर इसकी डायमेंशन लिखता हूं तो एक्सेलरेशन या त्वरण की विमा एम जीरो एल वन टी की पावर माइनस टू और टाइम की डायमेंशन होती है बेटा टी वन। जिनका बेस सेम उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो माइनस टू में वन ऐड करेंगे तो कितना? माइनस वन। तो इस थर्ड टर्म की डायमेंशन भी आ जाएगी एम जीरो एल वन टी की पावर माइनस वन। अब यहाँ देखो पहले टर्म की डायमेंशन है एम जीरो एल वन टी की पावर माइनस वन, सेकेंड टर्म की डायमेंशन है एम जीरो एल वन टी की पावर माइनस वन और थर्ड टर्म की डायमेंशन है एम जीरो एल वन टी की पावर माइनस वन। तो बताओ तीनों टर्म की डायमेंशन सेम है कि अलग अलग है? सेम। इट मीन्स वी की डायमेंशन यू के इक्वल है और इसकी डायमेंशन किसके इक्वल है? 80। और तीनों टर्म की डायमेंशन इक्वल होगी, सेम होगी, तो बताओ इक्वेशन करेक्ट होगी कि इनकरेक्ट होगी? करेक्ट। तो इक्वेशन अपने क्या होगी? सत्य। ठीक है, तो आपको यही चेक करना है कि अगर किसी इक्वेशन जितने भी टर्म दिए हुए होते हैं अगर उन सब टर्म की डायमेंशन सेम होगी तो इक्वेशन डायमेंशनल फॉर्म से क्या होगी? करेक्ट। और अगर सेम नहीं होगी तो इक्वेशन क्या होगी? इनकरेक्ट। तो इस इक्वेशन के जितने भी टर्म दे रखे हैं उन सब की डायमेंशन सेम है और डायमेंशन सेम है इसका मतलब इक्वेशन क्या है? करेक्ट है, सत्य है। तो किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म दी जाती है, जितने भी पद दिए जाते हैं, अगर उन सब पदों की विमाएं समान होगी तो इक्वेशन करेक्ट होगी और अगर सब टर्म की डायमेंशन सेम नहीं होगी तो इक्वेशन क्या होगी? इनकरेक्ट। तो अपन पहला यूज पढ़ रहे हैं कि चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन, बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।